हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांटिक ड्रामा मूवी को, जिसका नाम है ए वॉक इन द क्लाउड्स, जिसे 1995 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था अल्फांसो अराउ ने। और बात करें आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार। इस कहानी में एक आदमी शादीशुदा होने के बाद भी एक प्रेग्नेंट औरत के प्यार में पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1945 में, जहां हम देखते हैं आर्मी के सोल्जर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वापस लौटते हैं। आर्मी के सोल्जर्स अपने शिप से डॉक्स पर उतर रहे होते हैं और सभी मैरिड सोल्जर्स की वाइफ उन्हें लेने आई हुई होती हैं। वहीं हम अपने मेन करेक्टर पॉल नाम के बंदे को देखते हैं और उसका दोस्त उसे कहता है, क्या तुम्हें अपनी वाइफ का चेहरा याद भी है, क्योंकि वो अपनी शादी के अगले दिन ही वॉर पर चला गया था। सभी मैरिड सोल्जर्स की वाइफ उन्हें लेने आई हुई होती हैं, लेकिन पॉल की वाइफ बेटी उसे लेने नहीं आई होती और वो घर के लिए निकल जाता है। उसका घर सैन फ्रांसिस्को में होता है। पॉल घर पर पहुंचकर अपनी वाइफ से पूछता है, तुम मुझे डॉक्स पर लेने क्यों नहीं आई। उसकी वाइफ बेटी उसे कहती है कि उसे पता नहीं था कि वो आ रहा है, लेकिन पॉल उसे हर रोज लेटर लिखता था। दरअसल उसकी वाइफ ने कुछ समय के बाद ही लेटर को पढ़ना बंद कर दिया था और उसने लेटर को बिना पढ़े एक लॉकर में रख दिया था, और इस बात से पॉल उससे नाराज होता है। लेकिन वो उसे सेड्यूस करती है और पॉल की नाराजगी दूर हो जाती है, क्योंकि पॉल सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था। फिर उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम अपना पुराना काम चॉकलेट बेचने का फिर से शुरू कर दो, और पॉल उसकी बात को मान जाता है। फिर अगले ही दिन पॉल सैक्रामेंटो के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसका काम होता है। पॉल एक ट्रेन से निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात विक्टोरिया नाम की लड़की से होती है, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है और अमेरिकन मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन तभी ट्रेन में एक झटका लगता है और पॉल विक्टोरिया के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन दोनों की टिकट एक्सचेंज हो जाती है। पॉल उसे सॉरी बोलकर अपनी सीट पर जा ही रहा होता है कि तभी विक्टोरिया उसके कपड़ों पर वॉमिट कर देती है। इसके बाद पॉल अगले स्टेशन पर उतर जाता है और फिर एक बस में बैठता है, और उसी बस में विक्टोरिया भी बैठी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश नज़र आते हैं। जब बस चलना स्टार्ट हो जाती है, तभी दो लोग बस में चढ़ जाते हैं और विक्टोरिया को छेड़ने लगते हैं। फिर पॉल उन दोनों को मारता है। इसके बाद बस वाला उन तीनों को बस से उतार देता है। पॉल अभी सैक्रामेंटो नहीं पहुंचा होता है, फिर वो पैदल ही जाने का फैसला करता है। आगे चलकर उसे विक्टोरिया दिखाई देती है, जो वहां पर रो रही होती है। पॉल उससे रोने का रीज़न पूछता है। विक्टोरिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसके प्रोफेसर का है। अब प्रोफेसर उसके साथ नहीं है, उसकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, अगर वो बिना हस्बैंड के अपने घर गई तो उसके डैड उसे जान से मार देंगे। फिर पॉल उसे समझाता है कि वो तुम्हारे फादर हैं और तुम्हारी बात को ज़रूर समझेंगे, लेकिन विक्टोरिया उसकी बात से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर सिचुएशन होती है विक्टोरिया के लिए। फिर पॉल उसे एक आइडिया देता है, वो कहता है कि वो विक्टोरिया का फेक हस्बैंड बनकर उसके घर जाएगा और एक दो दिन वहाँ रहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाएगा, जिससे उसकी फैमिली को ये लगेगा कि वो विक्टोरिया को छोड़कर चला गया, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर पहले तो विक्टोरिया इस आइडिया के लिए मना कर देती है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो हाँ कर देती है। फिर दोनों विक्टोरिया के घर की तरफ चलने लगते हैं। विक्टोरिया का घर नाका वैली में था और वहाँ उसके परिवार के पास बहुत बड़ा सा वाइनयार्ड था। फिर वो घर पर पहुँचने से पहले ही विक्टोरिया को अपनी चॉकलेट बॉक्स में से एक रिंग देता है और अपने आप भी एक रिंग पहन लेता है, जिससे किसी को उन पर शक ना हो। फिर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, विक्टोरिया के डैड उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि उसने बिना बताए शादी की थी। उसके पिता का नाम अल्बर्टो होता है और वो विक्टोरिया से कहते हैं कि तुमने अपने पेरेंट्स का नाम खराब किया है। जब उसकी फैमिली को ये पता चलता है कि पॉल चॉकलेट बेचने का काम करता है, तो उनकी फैमिली को शॉक लगता है, क्योंकि उनका स्टेटस काफ़ी हाई लेवल था और पॉल का स्टेटस उनसे मैच नहीं कर रहा था। लेकिन विक्टोरिया के ग्रैंडफादर डॉन पेट्रो उसका स्वागत करते हैं और वो उसकी चॉकलेट भी खाते हैं। वो उसकी चॉकलेट खाकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब डिनर का टाइम आता है, तो सारा परिवार डिनर करने के लिए बैठता है। उस समय अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया से कुछ सवाल करते हैं और वो दोनों उन सवालों का जवाब भी दे देते हैं। अल्बर्टो पॉल से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जब पॉल उसे जवाब देता है कि वो अनाथ है, फिर वो उसे कहता है कि वो अपनी लड़की की शादी किसी मैक्सियन लड़के से करवाना चाहता था जो हमारे लेवल का हो। अल्बर्टो पॉल की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, जिससे वो डिनर छोड़कर बाहर आ जाता है, और उसे एक प्रॉब्लम भी होती है। उसे कभी कभी वॉर से जुड़ी कुछ घटनाएं याद आ जाती हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है और वो यादें उसे अकेलापन महसूस करवाती हैं। जब वो डिनर छोड़कर आता है, तब विक्टोरिया भी उसके पीछे आ जाती है और वो कहती है कि वो उसके डैड की बातों का बुरा ना माने। फिर पॉल कहता है कि अगर वो उनकी जगह होता तो वो भी यही करता, क्योंकि वो उसके डैड की फीलिंग को समझ रहा था।
इसलिए वो उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। फिर जब वो रात को सोने की तैयारी करते हैं, पॉल अपना बिस्तर नीचे लगा रहा होता है, तभी अल्बर्टो की पत्नी उसे उन दोनों को गुड नाइट बोलने के लिए कहती है और वो उन दोनों के कमरे में गुड नाइट कहने के लिए आता है। और उसके कमरे में आने से पहले ही पॉल विक्टोरिया के हस्बैंड होने का नाटक करता है, लेकिन अल्बर्टो फ्लोर पर गिरे बिस्तर को देख लेता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात अंगूर जमना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा होता है। तो विक्टोरिया की फैमिली एक स्पेशल तरीके से आग जलाकर पेड़ों को गर्माहट पहुँचाते हैं। ये करते हुए विक्टोरिया और पॉल को एक दूसरे के लिए कुछ फील तो करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को समझते हुए वो उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर अगले दिन पॉल वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। तब विक्टोरिया के ग्रैंडफादर उससे बात करते हैं और वहाँ के पेड़ों के बारे में उसे बताते हैं। वहाँ पर उनका एक बहुत ही पुराना पेड़ होता है जिसके बारे में वो पॉल को बताने लगते हैं। वो उसे कहते हैं ये पेड़ उनके भगवान की तरह है और इसी पेड़ ने इस वैली को इतना शानदार और हरा भरा बनाया है। और वो पॉल को फोर्स करते हैं कि आज रुक जाओ और कटाई में हमारी मदद करो, और उनके इस तरह फोर्स करने पर पॉल उनकी बात मान जाता है। फिर जब विक्टोरिया पॉल को देखती है तब वो बहुत खुश होती है, और जब वो कटाई करना शुरू करता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है। उन्हें अंगूर उगाने में और एक ट्रेडिशन तरीके से वाइन को बनाने में उन्हें बहुत मजा आता है। फिर हम देखते हैं पॉल और विक्टोरिया अंगूर से वाइन को बनाते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो उसे प्यार तो करता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो शादीशुदा है। फिर पॉल जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन अचानक से विक्टोरिया को पेन होने लगता है, उसे प्रेगनेंसी का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कुछ टाइम और रहने का फैसला करता है, लेकिन विक्टोरिया उससे कहती है क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ यहाँ रह सकते हो, लेकिन पॉल कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं पॉल की अल्बर्टो से बहस हो जाती है, क्योंकि अल्बर्टो को ऐसा लगता है पॉल उसे विक्टोरिया से दूर कर रहा है। फिर इस बहस के बाद जब वो जाने लगता है तब डॉन पेट्रो उसे ब्रांडी पीने के लिए रोक लेते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि विक्टोरिया उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये बताते हुए विक्टोरिया के पास गाना गाते हुए जाता है, लेकिन विक्टोरिया के वहाँ से ना निकलने पर वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है और वो काफ़ी सैड हो जाती है। फिर अगले दिन पॉल की मुलाकात विक्टोरिया से हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान होती है। तब अल्बर्टो उन दोनों की शादी सबके सामने अनाउंस कर देता है। वो कहता है विक्टोरिया और पॉल की शादी फेस्टिवल के दौरान फिर से होगी। फिर पॉल अल्बर्टो को सच बताने के लिए कहता है, तब विक्टोरिया मना कर देती है कि वो खुद ही ये सच सबको बताएगी। फिर वो सच सबको बता देती है और उन सबको फेस करती है। फिर इस सीन में हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पॉल और विक्टोरिया हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, और अल्बर्टो भी उनसे काफ़ी नाराज़ होता है। फिर पॉल अपने घर सैन फ्रांसिस्को वापस चला जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर बेटी उसे कहती है कि वो उसे बताने ही वाली थी और वो इस शादी को लीगली ख़त्म करना चाहती थी, और इसके लिए उसने एनलमेंट भी फाइल की है। फिर पॉल बिना कुछ बोले पेपर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। बेटी को पॉल के लिए दुख होता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, और इसके लिए वो पॉल को सॉरी भी कहती है, लेकिन पॉल उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि वो बेटी से अलग हो जाए, और वो सीधा विक्टोरिया के घर के लिए निकल जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है अल्बर्टो विक्टोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है और पॉल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। जब पॉल वहाँ पहुँचता है तब अल्बर्टो उसे कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। पॉल उसे कहता है कि वो विक्टोरिया से प्यार करता है और अब वो शादीशुदा भी नहीं है। तब अल्बर्टो कहता है तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम उसे प्यार करते हो। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर बाकी सभी घरवाले भी वहाँ आ जाते हैं। फिर गुस्से में अल्बर्टो एक लालटेन उठाकर पॉल को मारता है, और वो पॉल को ना लगकर अंगूर के पेड़ों पर जाकर गिरती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। पॉल और बाकी सब उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, पर सुबह तक पूरी बैली जलकर राख हो जाती है। अल्बर्टो और बाकी सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन तभी पॉल उस ट्रेडिशनल पौधे को जड़ के साथ उखाड़ कर लाता है और अल्बर्टो को देता है। अल्बर्टो देखकर बताता है कि ये पेड़ अभी जिंदा है, और सभी खुश हो जाते हैं। फिर अल्बर्टो उन दोनों से माफ़ी मांगता है और खुशी खुशी विक्टोरिया का हाथ पॉल के हाथ में दे देता है। फिर थोड़े ही समय के बाद ये वैली फिर से हरी भरी हो जाती है और पॉल खुशी से विक्टोरिया के साथ रहने लगता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।